नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल गार्डन के इतिहास के बारे में। जी हां, जब साल 1911 में ब्रिटिशों ने देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली की, तो उन्होंने दिल्ली को नया रूप देने के लिए मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस को इंग्लैंड से भारत बुलाया। लुटियंस ने दिल्ली आने के बाद वायसराय हाउस, जो कि आजकल राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, के लिए रायसीना की पहाड़ी को चुना और एक नक्शा तैयार किया, जिसमें भवन के साथ एक ब्रिटिश शैली का गार्डन भी था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग ने श्रीनगर में निशांत बाग और शालीमार बाग देखे थे, जिन्होंने उनका मन मोह लिया था। तब उन्होंने यहाँ पर भारतीय शैली के गार्डन बनाने का प्रस्ताव दिया था। सर एडविन लुटियंस लॉर्ड हार्डिंग का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उनके दिए सुझावों के अनुसार फिर से नक्शा तैयार किया। वायसराय हाउस को बनाने की शुरुआत सन 1912 में हुई और 1929 तक इसे अंतिम रूप दे दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम मुगल गार्डन के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर के पिछले भाग में यह स्थित गार्डन 13 एकड़ में फैला हुआ है। मुगल गार्डन में चार जलमार्ग हैं, जो कमल के आकार वाले लाल बलुआ पत्थर के फवारे के साथ उनके चौराहे पर बनाए गए हैं। यहाँ पर कई छोटे बड़े बगीचे मौजूद हैं, जैसे पर्ल गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और सकलूर गार्डन आदि। इस गार्डन के सबसे बड़े भाग को पीस द रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसकी लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 175 मीटर है। इसके उत्तर और दक्षिण भाग में टेरेस गार्डन और इसके पश्चिम में एक टेनिस कोर्ट तथा लॉन गार्डन स्थित है। इस गार्डन के अंदर एक हर्बल गार्डन भी मौजूद है। यहाँ लगभग 33 जड़ी बूटों के हर्बल पौधे पाए जाते हैं। इस उद्यान में आप ट्यूलिप की 8 किस्मों के लगभग 10,000 पौधों एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 70 किस्म के मौसमी फूल और 50 किस्म के लगभग 300 बौने पौधे भी पाए जाते हैं। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर दो नहरें व दो नहरें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिनके बीच में संगम पर कमल के आकार के 6 फव्वारे बने हुए हैं। ये नहरें बाग के 4 भागों में बाग को विभाजित कर देती है। इन फव्वारे से 12 फीट की ऊंचाई तक पानी की धार निकलती है, जो इसको और भी सुंदर बनाती है। यह गार्डन बनावट के आधार पर 4 हिस्सों में विभाजित है: चतुर्भुज आकार, लंबा उद्यान, पर्दा गार्डन और वृत्ताकार उद्यान इत्यादि। लॉन को डूब घास से ढक दिया जाता है, जिसे मूल रूप से बेलेवर एसेस्ट कहा जाता है। कलकत्ता से लाया गया था, तब उन्हें आरंभ में रखा गया था। सन 1947 में देश की आजादी के बाद वायसराय हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया था। इस गार्डन में बोने नट व ओक्लाहोम को मिलाकर गुलाब की लगभग 250 से भी अधिक किस्में पाई जाती है। ओक्लाहोम गुलाब के फूल का रंग लगभग काला होता है। नीले रंग के गुलाब की प्रजातियां भी पैराडाइज, ब्लू मून और लेडी एक्स शामिल है। इसके अलावा आप यहां हरे रंग के गुलाब के फूल भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के गार्डन के विकास और रखरखाव के लिए वर्तमान में 300 से अधिक स्थायी और आकस्मिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। यह गार्डन हर साल फरवरी मार्च में उद्यानोत्सव के दौरान सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खोला जाता है, लेकिन एंट्री केवल 4 बजे तक ही मिलती है। यह गार्डन सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन खुलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।